جس کے مقام کٹے چمکتا بسے متھرا کاسی اودھ دوارکا جہاں سے رکھے خود پربھو اپنا رشتہ بیر رندھیر کھیلے صدا جس گیا گنا جہاں جہاں سی بلیاں ہے میوار بستا ساگر چرن کو پکھارے سیارا ارے بھارت کو کرتا نمن پتا پتا ساتھیوں ہماری آواز میں وشوناتھ یادو اور ساتھیوں کی آواز میں ایک سنت کا مہتو میں سنانے جا رہا ہوں میں صد کروں گا اس گانے میں آپ کا دیش بھارت دنیا میں وشو گرو کیوں کہا جاتا ہے ترج بجا دو ماسٹر میرے محبوب بابا میرے محبوب میرے ساتھ بڑا چال کیا بھگت کی بھگتی پہ भगत की भक्ति पे भगवान खुद फिदा होता संत फकीर के मुट्ठी में ही खुदा होता یہاں سے ہمارے کہانی کی شروعات ہے سنیے سنا رہا ہوں یا رب کی حادثہ ایک لوتا بیٹا مر گیا دکھی ہے بادشاہ اتوار کے عالم کو مولوی کو بلا کر کہنے لگا ہے آخر میں سب کو چتا کر زندہ نہ ہوا لال تو چڑھ جاؤ گے سولی پرانے کے پنوں سے کھیلی جائے گی ہولی بادشاہ رب ایک ہی سنتان اچانک اس کا ندھن ہو گیا سادھو سنتوں کو بلایا فقیروں کو بلایا اگر تمہاری تپسیا میں دم ہو تو اس بچے کو جلاؤ ورنہ جیل میں ڈال دیں گے لوگ آتے گئے پھیل ہوتے گئے آخر کار ہزاروں سنت فقیر قیدی بنا لیے گئے بڑی بھالا ماسٹر یہ سنی کے لنوام بیاکل سب کر منوام ہو ارے رکھ کے میٹنگ سب کر لیں جاتا نام کیسے کہ جنوام بچاول جائی مناوام ہو سوچیو بیچار کے او رچنے بھی دھناوام تو سارے جہاں سے پیارا ارے سونے کا چیرائی کہالا ہندوستان نامی مہا گیانی سوابی مانی جو نے دے ساوہ میں اب سو گرو کہے جے کے سارائی جانا گرو
فقیر کہنا بھیا ہندوستان میں کوئی جائے تو کوئی نہ کوئی سنت مل جائی جو یہ بچہ کے جلا دے سب کر جان بچ جائی کچھ لوگ کہنا ہم ہو سن لے ہیں ارے جہاں میں سب سے اعلی انڈیا آپس میں سب کرائیں بچار ہند دیش کو بھیجے نہاری فوجی نام رہا ہو نہار دلی میں وہ پیش ہوا ہے راجہ اکبر کے دربار اسمنجس میں پڑے بادشاہ بیربل جی سے بادشاہ اکبر کے دربار میں آیا عرب کا ایک فوجی اپنی سمسیا سنایا بادشاہ کہے بھائی بیربل جی سے بات کر لیجئے زیادہ تر اس کی جانکاری ان کو رہتی ہے ہاں بیربل کے پاس گیا بیربل کا نہ سنا کہ مان لے ببتیا ہمارے یار جھوٹ ہے گھبرائیلا نکالا قلم کاغذ نوٹ کرا ہم بتاؤ تھے جا بھیٹ کہہ لے تو ہر کام ہو جائے کہ نام سوری دا سعیف رہل مندرا بنوا سورداس کے پاس چل جا کہ نہ ملی ہے تب کہ یادا پھر تلسیم بنائی دی ہے کموا کہنا سرکار یہ ہو سکلا کہ یہ ہو نہ بھیٹا ہے کہ تب سنا ہاں कबीरा काशी के रंगदार यार झूठ है घबरैला चल जा सूरदास के पास न मिले तुलसीदास के पास चित्रकूट में चल जाया इहो न भेटा तो कबीर साहब के पास लहरतारा बनारस चल जाया बा चलन तर्ज बदल गए मास्टर कौने खोतवा में लुकैलू कौने खोतवा में लुकैलू चिड़ई दूध मलाई खैलू यही बाजार में एक दिन केहू नहीं पूछी संसार फौजी वृंदावन में आके कल सूर के बजरे जाके देखा मासे ए बाबा आई मानी तू दूसरे वतन से फौजी वृंदावन
कहूँ दास का, कल के हुआ भैया कहाँ से आल हुआ बाबा? कल बाबा बड़ा दूरे से आओ ले अरब देश से एक लड़का राजा कमरल होके जियावे को, वरना हजारों हजार संत फकीर मारल जी हैं बाबा। राजा के लड़का आया अगर ना जी लई हमनी के खानदान पल में मिटई बाबा, पल में मिटई बाबा, पल में मिटई। अब तू देर कराना चला, अब तू देर कराना चला बाबा, चल के जान बचाला तान मान से। भैया काम तो तुहार कोनो जटिल ना हो जाए, लेकिन रास्ता इतना दूर का बताओ तो कहाँ कहाँ ढोईबा हम आनर आदमी। इनके भी समझ में आयल कि ठीक है, कतो चला दूजे ने बाकी हुए ना, वो लोग से मिली तर्ज बदल गई। मास्टर देखा आजकल बड़ा फुहर फुहर धुन चलत हो, एक थे धुन यो हो लेकिन कितना छायावादी ढंग से हो। भौजाई कहत हो अपने देवर से बड़ा गुप्त में कहा तो का कहे के करी अहिया देवर जी दारत करे, करी अहिया देवर जी दारत करे, करी अहिया देवर जी दारत करे। काम उहा करे जो मराद करे, काम उहा तुलसीदास के पास तो कहे फौजी ये बाबा तू यार अब चला, समस्या का सारी बात बतौलन फौजी। तुलसीदास कहला की गलत जगह पर आगल हुआ। अरे तुलसी कहे हम धर्म के सिपाही, हम कट्टर हिंदू हैं, और हम मिली ना जवन हम चाही, अतर जो है बाम कि चला चली धान रोपे धनिया, अरे मझी माँ बरसैला पानिया की, चला चली धान रोपे धनिया, मझी माँ बरसैला पानिया की, चला चली धान रोपे धनिया, मझी माँ बरसैला पानिया की, चला चली धान रोपे धनिया। एक बिहार के औरी तो ही बढ़ा के गावे लिन सास सुत भीतरी, अरे बसुरी सुत बसरी की, गगरी छुआ जाई रजाऊ, गगरी छुआ जाई रजाऊ, सैया हो धर्मवा नसा जाई, गगरी छुआ जाई रजाऊ, सैया हो धर्मवा नसा जाई, गगरी छुआ जाई रजाऊ, दादी रो के फौजी
धीर हो के फौजी काशी अइले जहवा कबीर हो के अंत में अधीर हो के फौजी काशी तुलसीदास जी कहलन की गलत जगह पर आ गईला, हम कट्टर हिंदू हैं, हमारे धर्म बिगड़ जाई वहां। कबीर साहब के पास हेलन, कबीर साहब कहलन की चला ना हम हिंदू है ना मुसलमान, एक इंसान है चलत है चला। सुन के बात चलिए साथ जय छनवा जनवा गाढ़े में, अरब देश में भारत करता नवा जनवा गाढ़े में, साहब पहुंचे अरब में। बहुत लंबी भीड़ है वहां, लोग देखने आए हैं, भारत का कोई संत आया है कई दिन का मरा हुआ बच्चा जिलाने के लिए, जरा देखा जाए। कबीर साहब पहुंचे और किए क्या, कहे ला से तनी बढ़ा ला, कहे ला से उठो खुदा है तुझको तेरा पुकारा हो, क्या सोया है खुदा के नाम पे तोड़ जा, लड़का नहीं उठा। भगवान का नाम लेके कबीरा कहने लगे दोबारा हो, खुदा के नाम पे नहीं उठा तो भगवान के नाम पे तोड़ जा, लड़का नहीं उठा। तीसरी बार कहे कबीर के लिए उठो सुगनवा जनवा गाढ़े में, उठ के बैठी लाश की दरवा नवा जनवा गाढ़े में, लड़का खड़ा हो गया, तालियां बज गई, शाबाशी देने लगे लोग, धन्य है ये भारत का संत। इधर बादशाह गया अपने बेटे को गले से लगाया, कबीर साहब की ओर देखा, ऐसी बात कहा कि सारी जनता मायूस हो गई। कहा क्या, अरे खुदा भगवान खातिर उठल नहीं लसिया, लेकिन हो कबीर खातिर भयल चमत्कार,
हाथों पकड़ लो इस भारत के संत को। खुदा के नाम पे लड़का नहीं उठा, भगवान के नाम पे नहीं उठा, इसके नाम पर उठा, ऐसा होना नहीं चाहिए। कुरान में लिखा है, पुराण में लिखा है, खुदा से भगवान से बढ़ के कोई बंदा नहीं हो सकता। ये तो खुदा और भगवान से भी बढ़ के ऐसा संभव नहीं। इसका सर और धड़ अलग कर दो। सारी जनता मायूस है कि गजब का इनाम दे रहा है बादशाह इस संत को। बड़ा उचित जवाब दिए कबीर साहब बादशाह को, कहे कि अरे मूर्ख बादशाह सुन, कबीरा कहे कि भारा जैसे मर लाला रस में, वैसे हो ले भगवान हो भगत के बस में, वैसे हो ले भगवान हो भगत के बस में, वैसे हो ले भगवान हो भगत के बस में, हो ले भगत के बस में, हो ले भगत के बस में, वैसे हो ले भगवान हो भगत के बस में, वैसे हो ले भगवान हो भगत के बस में। कहे रानी जनी रोपाम, कहे रोष में कबीरा, तो खुशी खुशी ले लहराया लापन हीरा, खुशी ले लहराया लापन हीरा, खुशी खुशी ले लहराया लापन हीरा। औजी के हमहू चल अब बाबा के देश में। कबीर साहब कहे कि रे मूर्ख बादशाह, तेरा भगवान खुदा तो संत फकीर के मुट्ठी में होता है। कालन वहीं से जब चलने लगे कबीर साहब, फौजी भी साथ में हो गया, बादशाह लज्जित हुआ। तो अकबर के नौरतन में उभय ने शामिल, कबीर काशी में आके देव लगले ताली, पाखंड विरोध के खून बहे नस नस में, वैसे हो ले भगवान हो भगत के बस में, वैसे हो ले भगवान हो भगत के बस में, वैसे हो ले भगवान हो भगत के बस में, हो ले भगत के बस में, हो ले भगत के बस में, वैसे हो ले भगवान हो भगत के बस में, वैसे हो ले भगवान हो भगत के बस में। ये रहा एक संत का महत्व। ये संतों का देश है, महर्षियों का देश है। तो कहना है कि गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में, मोहन भरत के छोड़ के श्याम रखवाला, जहां में सबसे आला इंडिया।